बोलिए क्या प्रॉब्लम है। देशी साहब का ऑफिस में हम लोग लैंड एलोमेंट के लिए कागज भेजा था और दिया भी है, अभी 4-5 महीना हो रहा है और देशी साहब ने ये बोला था कि आप लोग का स्पॉट में वेरिफिकेशन के लिए एसी को सीओ को मंडल को भेजेगा बोला था और खुद भी आएगा बोला था, अभी तक आया नहीं क्यों। मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप अकेला सवाल पूछेगा और हम हजार हजार लोगों को कैसे जवाब देगा, इसलिए हमने आपका ये मीडिया का माध्यम से उनको जानकारी देगा और सभी लोगों को जानकारी देगा। जानकारी यही है कि उन्होंने सही बात बोला कि हमने बोला था कि आप एप्लीकेशन जो नया है पुराना भी है 10-15 साल से एप्लीकेशन पड़ा हुआ है तो उसको लेके हम आप लोगों का जो स्पॉट है उसको एसके मंडल का द्वारा या सीओईएसी का द्वारा मैं भेज के विजिट करूंगा और जहां जहां मैं क्रिटिकल एरिया है और मैं खुद विजिट करूंगा जहां मुझे डाउट होता है। तो ये सिलसिला जो है कुछ समय चला है, ऐसे नहीं है 1-2 महीना चला है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ में आ गया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि आप फॉरेस्ट जमीन में अलॉटमेंट नहीं दे सकता है, एलपीसी नहीं दे सकता है। इसको लेके काफ़ी हमने कॉरेस्पोंडेंस करके जो उन्होंने कहा 3-4 महीना का बात है तो ये इसी में गुजर गया। फॉरेस्ट को हमने कहा कि आपका अगर ज़मीन है आप डिमार्केशन कर दीजिए, थ्रू चीफ सेक्रेटरी पीसीसीएफ को बोला, पीसीसीएफ ने बोला कि फॉरेस्ट जो डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है दोनों को बोला है कि डिमार्केशन कर दो, लेकिन आज तक उन लोगों ने डिमार्केशन नहीं कर पा रहा है। यहाँ हमारा पोरलेन का काम चल रहा है इसलिए दूली आ रहा है, चलो जो भी हो। तो वो डिमार्केशन जब नहीं करता है तो हमने हर जो फॉरेस्ट का एरिया है जहाँ फॉरेस्ट एरिया का प्रॉब्लम है वहाँ पे हमने हर आदमी का जो एप्लीकेशन को फॉरवर्डिंग कर दिया है, इसलिए आज ये वीडियो जरूरी है। आप लोगों का एप्लीकेशन कम से कम 8-9 हज़ार का तादाद में है, अभी एक नंबर फाइल गायब होता है, फाइल ट्रेस करना मुश्किल होता है, इसलिए हमने ई फाइल में उसको पिछले 6 महीना से लगा हुआ है। तो आपका जो ई फाइल नंबर है आप हमारा जो वेबसाइट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे है, वो ई फाइल नंबर लेके आप हमारे ऑफिस में आके उसका स्टेटस देखना है, ई फाइल नंबर को दे देगा तो कंप्यूटर में टाइप करने से आपको मिल जाएगा कि मेरा जमीन का एप्लीकेशन किसका पास है और जो भी जमीन है एप्लीकेशन एलपीसी हो अलॉटमेंट को फॉरेस्ट का जो डिप्टी चीफ लाइफ वार्डन नाहरलगन में डेम साइड में है ऑफिस वहां जाके एनओसी लेना है और जो दुर्पक निशा फॉरेस्ट का है बांदरदोआ में डीएफओ होता है वहां से एनओसी लेना है। जो जो लोग एनओसी लेके आ रहा है क्लियरेंस मिल रहा है उनका ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा का अंदर में उसका एलपीसी अलॉटमेंट एलपीसी को दिया जाता है। अलॉटमेंट जो है वो सरकार का पास जाना है, हमको वहां पे फॉरवर्ड करेंगे तो उस सरकार को फॉरवर्ड करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट से टाउन प्लानिंग से और डायरेक्टर हाउसिंग जो कोर्टर का इंक्रोचमेंट का बहुत सारा एनओसी लेना है तो उन लोग एनओसी नहीं ले पा रहा है मेरा पास आता है। तो अभी हमने डायरेक्टर लैंड मैनेज को लिखा है कि ये प्रॉब्लम है आप क्या करेंगे, तो लोग मुझे गाली देते हैं, मुझे साफ देते हैं
और अभी जैसे यहाँ सड़क पे एक हमारा अपना एक साला को मिल गया है, वो भी बहुत दुखी में है, गुस्सा में है। हाँ, इसलिए आज उनको मैं आपका इस चैनल का माध्यम से जो समझा रहा हूँ वो सभी के लिए है। पब्लिक हमारा भगवान है, आपके लिए डीसी ऑफिस है, आप है डीसी ऑफिस है, इसलिए आपका काम को मैं हमारा तरफ से दिन रात कोशिश कर रहा है। आज सैटरडे है, हम यहाँ में भी ड्यूटी कर रहा है, मेरा ऑफिस में भी वही एप्लीकेशन को ई फाइल में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि फाइल गायब का जो प्रॉब्लम है वो फिर से ना हो। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल होगा, अकाउंटेबिलिटी जरूर होगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी में की यही है कि किसका फाइल है उनका जिम्मेवारी है। ट्रांसपेरेंसी है, आप वहाँ में ई फाइल नंबर दबाओ तो क्या लिखा है, किसने क्या लिखा है, वो चीज़ को आपको देखने मिलेगा। नहीं, हाईवे को अभी अभी बनना शुरू कर दिया है, मेरा अपील यही रहेगा कि थोड़ा से अभी जैसे आपने कहा दूली का बारे में, थोड़ा दूली तो रहेगा और पब्लिक को तो अभी जैसे जब हमारा काम शुरू होगा उस समय में थोड़ा से ट्रैफिक का इशू हो सकता है, उसमें थोड़ा कोऑपरेट करना है, और जो लोग यहाँ काम करते हैं उनको सपोर्ट करना है, इनकरेजमेंट देना है, मोटिवेट करना है, ताकि आपका सड़क सुंदर जल्द हो। सबसे बड़ा अपील यही रहेगा कि द क्वालिटी ऑफ द वर्क, पब्लिक जो है सोशल ऑडिट करना चाहिए कि आपके लिए जो सड़क बन रहा है वो सही बन रहा है ना नहीं बन रहा है। आज आप लोग इंजीनियर हैं, कॉन्ट्रेक्टर है, आप लोग काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो ये जो सड़क जो बन जाए बनेगा वो आपके लिए है, तो इसको लेके हमारा अपील रहेगा कि क्वालिटी को भी आप बात करना है, देखना है। झगड़ा मत करो, हमको बताओ और सीनियर ऑफिसर को बताओ, हमको लिखो, तो हम लोग उसको देख के सही करने के लिए कोशिश करेगा। और अभी तो ये लगा हुआ है, जो लोग अभी तक तोड़ के ख़त्म नहीं हुआ है या शुरू नहीं किया है, जल्दी तोड़ के ख़त्म कर दीजिए। और अभी जैसे आगे हमने जिसको हमने कॉम्पेंसेशन दे दिया या और जिसको हमने ऑर्डर दे दिया वो समय में अगर नहीं करता है, मैं तो फिर हमको बुरा नहीं मानना, मैं तो अभी जैसे क्लियर करके जा रहा है, मैं आंग बंद करके तोड़ फोड़ करके चला जाएगा। इसलिए मेरा अपील है कि जो जो स्ट्रक्चर अभी तक नहीं तोड़ा है, एक दो रह गया है, वो तोड़ देने से ठीक है, जो आधा तोड़ रहा है वो थोड़ा एक्सपीडाइट करने से ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आप कुछ बोलना है? हो जाएगा, उसमें क्लियर होता है। ऐसा करो।